वेलकम टू एबीसी कैंपस आर सब्जेक्ट इज कैफ थ्री बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर थर्टीन मैनेजमेंट एंड थर्ड वीडियो इन विच वी विड डिस्कस कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर्स रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड वेकेशन ऑफ ऑफिस बाई डायरेक्टर्स फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशफ फदे सो कैजुअल वैकेंसी होती क्या है कैजुअल वैकेंसी ये होती है कि अपना टाइम पूरा करने से पहले जब कोई ऑफिस एंड हो जाता है तो उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं वैकेंसी का मतलब है किसी पर्सन की जगह खाली होना और कैजुअल का मतलब है कि रूटीन के अलावा रूटीन में तो होता है कि एक डायरेक्टर रिटायर होता है तो फिर पहले से डिसाइड किया गया होता है कि इलेक्शन होना है इलेक्शन में न्यू डायरेक्टर उनकी जगह ले लेते हैं लेकिन अगर कोई डायरेक्टर अपनी टर्म के दौरान ही रिज़ाइन करके चला जाए या किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाए या किसी और वजह से एक डायरेक्टर डिस्कालीफाई हो जाए जिसकी वजह से उनका ऑफिस वकेट हो जाए तो उनकी जगह किसी और को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो वो अपॉइंटमेंट अंडर कैजुअल वैकेंसी के लाएगी सो एनी कैजुअल वैकेंसी अकरिंग अमंग द डायरेक्टर्स मे बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स यानी से कि अगर एक कंपनी में टेन डायरेक्टर्स थे और एक की डेथ हो जाती है तो बाकी जो नाइन है वो फिर उन जगह को फिल करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं एंड द पर्सन सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेंडर ऑफ द यानी जो पर्सन अपॉइंटेड होता है अंडर द कैजुअल वैकेंसी वो पूरे तीन साल नहीं करता जिस शख्स की जगह पर वो अपॉइंट हुआ होता है तो वो उसकी रिमेनिंग टर्म करता है यानी अगर फ़र्ज करें कि जो एक डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर सेवन मंथ्स, तो जो उसकी जगह पे नया डायरेक्टर अंडर कैजुअल वैकेंसी आएगा वो रिमेनिंग टू इयर्स एंड फाइव मंथ्स की टर्म को पूरा करेगा पूरे तीन साल को नहीं करेगा रिमेनिंग टर्म को पूरा करेगा ऑफ द डायरेक्टर इन हिस प्लेस इज अपॉइंटेड दूसरी पॉइंट है कि अपॉइंटमेंट अंडर कैजुअल वैकेंसी जरूरी भी नहीं है कुछ सिचुएशन में जरूरी हो सकती है और कुछ सिचुएशन में जरूरी नहीं हो सकती तो इसको भी डिस्कस करते हैं इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर दैट कंपनी इवन आफ्टर द कैजुअल वैकेंसी सच डायरेक्टर्स मे नॉट फिल मे फिल एंड मे नॉट फिल इन द कैजुअल वैकेंसी एंड कंप्लीट द टर्म विदाउट फिलिंग सच वैकेंसी तो अब इसकी एग्जाम्पल अब एक मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ लेट से कि एक कंपनी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी है और उसमें नंबर ऑफ़ डायरेक्टर थे दस किसी एक डायरेक्टर की डेथ हो गई तो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर हो गए, तो गए नाइन अब मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है सेवन की अगर वो नाइन डायरेक्टर्स के साथ भी कंटिन्यू कर लेते हैं तो वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तो कोई ख़िलाफ़वर्जी नहीं कर रहे सेवन से तो ज़्यादा ही है तो वो हो सकता है नाइन के साथ ही कंटिन्यू कर लें और वो चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि नहीं जी टेंथ डायरेक्टर्स हमारी प्रोसेस में ज़रूरी है तो वो नाइन्थ नाइन्थ डायरेक्टर्स जो हैं वो मिलकर एक टेंथ डायरेक्टर अपॉइंट कर लें तो इसमें कैजुअल वैकेंसी ज़रूरी नहीं थी कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते लेकिन अगर सिनेरियो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और लेट्स से कि एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर सेवन थे और एक डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो अब बाकी सिक्स डायरेक्टर को कैजुअल वैकेंसी फिल इन करना लाजमी होगा क्योंकि अगर सेवन से कम डायरेक्टर के साथ कंटिन्यू किया तो वो कंपनीज एक्ट के कंट्रवेंशन हो जाएगी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड कंपनी में मिनिमम सेवन डायरेक्टर्स होने चाहिए सो so, इस पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है आबिद कासिम एंड तारिक वर द ऑनली ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड अच्छा और सिर्फ तीन मेंबर हैं। इससे पता चल रहा है कि ये एक पब्लिक कंपनी है है, नाम से भी पता चल रहा है प्राइवेट नहीं है पब्लिक कंपनी एंड वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर्स ऑन डायरेक्टर टू ऑन एटीन फेब नाइनटीन इन अ रोड एक्सीडेंट एडवाइज अल्फा सिक्योरिटी ए एस एल इज पब्लिक कंपनी एंड इज रिक्वायर टू हैव एटलीस्ट थ्री मेंबर्स एज वेल एज थ्री डायरेक्टर तो मिनिमम इनमें तीन मेंबर होने चाहिए मिनिमम थ्री डायरेक्टर होने चाहिए ऑन द डेथ ऑफ कासिम द नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एस एल हैज बीन टू है सिर्फ दो रह गए विच इज़ इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी को फिल करना लाजमी होगा तो अब द कैजुअल वैकेंसी राइजिंग ड्यू टू डेथ ऑफ कासिम मस्ट बी यहाँ पे मे के बजाय मस्ट कवर्ड आना चाहिए मस्ट बी फिल्ड अप बाय अपिद एंड तारिक एंड पर्सन सो अपॉइंटेड वुड होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेंडर ऑफ द टर्म ऑफ कासिम इन हूज प्लेस इज अपॉइंटेड यानी उस पर्सन का जो टाइम uh, पीरियड है वो एंड होगा जी टिल थर्टियत अक्टूबर यानी ओरिजिनल इलेक्शन जो हुआ था उसी से तीन साल काउंट किए जाएंगे डेथ uh, से तीन साल काउंट नहीं किए जाएंगे तो so, जो भी पर्सन कासिम की जगह पर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट होगा वो थर्टियत अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक कंटिन्यू करेगा अब टाइम लिमिट जो है उसमें के एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शेल बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्टर एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन नाइन्टी डेज यानी लॉ जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए टाइम डिफाइन कर रहा है कि मैक्सिमम नाइन्टी डेज में कर लेंगे देर इज़ नो टाइम लिमिट specified इन कंपनी एट फॉर अदर कंपनीज बाकी कंपनीज के लिए जो है लॉ ने स्पेसिफाई नहीं किया टाइम लिमिट को लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि एज अर्ली एस पॉसिबल कर ली जाए जहाँ पर रिक्वायरमेंट है लेकिन लिस्टेड कंपनी में जो मैक्सिमम टाइम है वो डिफाइन कर दिया गया देट इज़ नाइन्टी डेज़ तो अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं लालाजार लिमिटेड अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज हंड्रेड मिलियन कंसिस्टिंग ऑफ शेयर लास्ट इलेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज हेल्ड ऑन अप्रिल थ्री इन विच एट डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड फोर ऑफ द डायरेक्टर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली द रिमेनिंग डायरेक्टर्स वर जावेद बदर कासिम and doubt. They secured 600,000, 350,000, 480,000, and 220,000 votes respectively. The remaining votes were equally distributed among the four directors of the family. Javed died on May 30, 2003, and Aslam was appointed as a director on June 15, 2003, to fill in the casual vacancy. A एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं सैनैरियो में बता दिया गया स्नैरियो क्या है ये कंपनी है जिसका कैपिटल हंड्रेड मिलियन है यहाँ पे कैपिटल जो है वो इरेलीवेंट है ए डायरेक्टर्स थे जिसमें से चार के नाम बताए हुए हैं जावेद बदर कासिमन दाऊद और बाकी चार जो हैं सेम फैमिली से थे तो जावेद की डेथ के बाद एक कैजल वैकेंसी फिल की गई है जून फिफ्टीन टू थाउजेंड थ्री को तो पहली बात तो ये कि इज लाल लिमिटेड इन कम्पलाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो यस पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो रिक्वायरमेंट जो है वो तीन की होती है और इनके एट डायरेक्टर्स हैं और कैजुअल वैकेंसी फिल ना भी करते तब भी सेवन होते तो देर वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल दूसरा ये कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड तो जो बाकी सेवन डायरेक्टर्स हैं वो मिलकर कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें करनी होती है और वेन वुड असलम टर्म ऑफ ऑफिस भी कम्पलीटेड तो देखें जो इलेक्शन हुआ था औरिजनली वो हुआ था अप्रैल फिफ्टीन टू थाउजेंड थ्री को तो इससे थ्री ईयर्स अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट वुड बी अप्रैल फिफ्टीन टू ज़ीरो एक्स सिक्स और असलम की टर्म जो है वो कंप्लीट होगी इस डेट पे तो इसी को आंसर में रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो डायरेक्टर्स होने चाहिए दे आर इन कम्पलाइंस कैजुअल वैकेंसी जो है वो डायरेक्टर्स फिल करेंगे तो असलम जो है वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए फिल करेगा और मैंने आपको डेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया तो ये डेट भी मैंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ये है कि जब मेंबर्स एक डायरेक्टर को रिमूव करना चाहें हटाना चाहें कंपनी से तो क्या वो कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर बड़ा टेक्निकल है तो ज़रा इसको आपने ज़्यादा केयरफुली देखना है अ डायरेक्टर मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन द डायरेक्टर शेल नॉट बी कंसीडर टू हैव बीन रिमूव इफ वोट अगेंस्ट रिमूवल इक्वल और एक्सीड एज फॉलो अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं देखा जाएगा कि उसको रिमूव करने के लिए कितने वोट हैं ये देखा जाएगा कि उसके रिमूवल के अगेंस्ट कितने वोट हैं यानी डायरेक्टर को बचाने के लिए कितने वोट हैं वो फैक्टर होगा जिससे फैसला होगा कि डायरेक्टर रिमूव हुआ है या नहीं हुआ और कितने वोट से वो बच सकता है तो अगर एक डायरेक्टर इलेक्टेड <coughs> डायरेक्टर है जो बाय वोटिंग है बाय पोलिंग है कि प्रॉपर वोटिंग हुई थी पोलिंग हुई थी उससे एक डायरेक्टर इलेक्ट हुआ था तो उसको रिमूवल से बचने के लिए कितने वोट चाहिए उसको चाहिए जी मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच वर इनफ टू क्वालिफाई अ पर्सन एज अ डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर यानी जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था उसमें हमने अब इलेक्शन का प्रोसीजर पढ़ा था कि जी सबसे पहले जो डायरेक्टर होता है जो हाईएस्ट वोट लेता है वो फिर सेकेंड हाइस्ट फिर थर्ड हाएस्ट देन सो ऑन तो उसमें जो आखिरी नंबर पर जो डायरेक्टर बन गया था लेकिन था आखिरी नंबर पर उसको कितने वोट मिले थे उतने वोट अगर उस इलेक्टेड डायरेक्टर को मिल जाते हैं तो उसका रिमूवल नहीं होगा अगर उतने वोट उसको नहीं मिलते उसकी फेवर में नहीं आते उसके रिमूवल के अगेंस्ट नहीं आते तो फिर उसका रिमूवल हो जाएगा अलबत् अगर वो इलेक्टेड हुआ था अन या फर्स्ट डायरेक्टर था जिसे सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम नेम कर देते हैं या अपॉइंट हुआ था अंडर कैजुअल वैकेंसी तो इन तीन सिचुएशन में उसको रिमूवल से बचने के लिए जो वोट अपनी फेवर में चाहिए और रिमूवल के अगेंस्ट चाहिए वो है एवरेज वोट अब एवरेज वोट क्या होते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म नंबर ऑफ़ वोटिंग शेयर्स एंड नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स फ़ॉर द टाइम बे अब फॉर स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें जो हैं डिस्टिंग्विश करना बाज़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सेम होती हैं कि जी नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स भी सेवन है और नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स फ़ॉर द टाइम बीइंग भी सेवन है तो एक पॉइंट दिन में आता है कि सेवन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेवन से ही डिवाइड कर रहे हैं तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं तो बात यह है कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि नाइन्टी सिचुएशन में ये दोनों इक्वल होती हैं लेकिन कभी कभार डिफरेंट भी हो सकता है अब फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म ये है कि जी जो डायरेक्टर फिक्स किए गए थे वो किए गए थे टेन अच्छा उसके बाद एक की डेथ हो गई थी नाइन डायरेक्टर्स कंटिन्यू कर रहे थे तो नाइन डायरेक्टर्स में से अब एक को रिमूव करना चाहते हैं तो पॉइंट वही आ जाएगा कि जी जो डायरेक्टर थे वो टेन थे जबकि अब जो डायरेक्टर जिन जो कंटिन्यू कर रहे थे वो नाइन थे तो अब एवरेज के लिए जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो टेन से हो रहा होगा डिवाइड जो है वो नाइन से हो रहा होगा तो ये डिफरेंस हो सकता है लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में आप नोटिस करेंगे कि अगर ऊपर एट होगा तो यहाँ पर भी एट होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे होते तो ये बड़ी एक्सेप्शनल सी सिचुएशन होगी कि जहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बिंग डिफरेंट होंगे लेकिन हो भी सकते हैं इसलिए लॉ में इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है तो हमने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि uh, कुछ जहां पे इलेक्टेड डायरेक्टर होगा बाय वोटिंग और पोलिंग तो उसके रिमूवल के अगेंस्ट उसे अपने रिमूवल को बचाने के लिए जो वोट चाहिए वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए और बाकी सिचुएशंस में उसको एवरेज नंबर ऑफ वोट्स चाहिए तो इसको हम बहुत सारे सिनेरियोस पर आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो पहला है जी हमारे पास एग्जाम्पल असलम इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर इन ए बी सी अगो कंपनी हैज़ मिलियन एंड डायरेक्टर्स he was the last one to become director by securing 1.5 million votes to ye baat to pata chal gayi ki jo aslam hai wo voting se elect hua tha a resolution has been moved in the general meeting to remove aslam from his position how much vote aslam required to save his seat to usko removal se bachne ke liye jo vote chahiye वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए जो लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में किसी को मिले थे और वो उसी को मिले थे 1.5 million votes. तो यही इतने ही वोट्स उसको चाहिए

एहसान हुआ हुटेस्टेड इलेक्शन फिफ्टी सेवन थाउजेंड लेकिन ये हमने नहीं लेने यानी इसको सबसे कम वोट मिले हैं लेकिन ये डायरेक्टर नहीं था हमने वो सबसे कम वाले लेने होते हैं जो इनफ टू क्वालिफाई तो ये रेलिवेंट नहीं है एंड कूड नॉट बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर वन ऑफ द मेजारिटी शेयर होल्डर एज इंडिकेटेड टू रिमूव बाबर अच्छा अब बाबर ने जो वोट लिए थे वो लिए थे सेवेंटी थाउजेंड इन कमिंग एजियम हाउ मच वोट बाबर इक्वायर टू सेव हिस्टेट तो बाबर को अपनी सीट सेव करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ वोट चाहिए जो इन टू क्वालिफाई था हालांकि बाबर बना सेवेंटी थाउजेंड वोट लेने के लिए था लेकिन सीट बचाने के लिए सिर्फ उसको वोट चाहिए होंगे तो बाबर बीइंग एन इलेक्टेड डायरेक्टर बाय वोटिंग इलेक्ट हुआ था नीड सिक्सेंड वोट अगेंस्ट इज रिमूवल विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ वोट सफिशंट टू मेक अ पर्सन डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर तो लीस्ट नंबर ऑफ वोट जो है वो ही है तो एक्चुअल अपने जितने वोट नहीं लेने होते उतने वोट लेने होते हैं जो लास्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए काफ़ी थे एक और सनैरिया जी असलम वाज इलेक्टेड एज डायरेक्टर टू फिल इन अ कैजुअल वैकेंसी तो ये पता चल गया है, जी कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट है तो कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट होती है तो एवरेज नंबर ऑफ वोट्स लेने होते हैं कंपनी हैज टू मिलियन शेयर्स एंड सेवन डायरेक्टर्स द लास्ट वन टू बिकम डायरेक्टर हैड क्योर्ड वन मिलियन वोट लेकिन क्योंकि ये कैजअल वैकेंसी है तो ये रेलिवेंट नहीं है आप अ रेजोलूशन मूव इन द जनरल मीटिंग टू रूव असम फ्रॉम इस पोजीशन हाउ मच वोट असलम रिक्वायर टू सेव हज सीट सो ही वुड नीड एवरेज नंबर ऑफ वोट सो एवरेज नंबर ऑफ वोट के लिए क्योंकि हमें बताया गया कि सेवन डायरेक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म सेवन टू मिलियन शेयर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग तो टू मिलियन वोट चाहिए होंगे अब उसकी अपॉइंटमेंट वन पॉइंट फाइव मिलियन वोट से हुई थी बट ही नीड्स टू मिलियन वोट टू सेव हिज अट एग्जाम्पल ट्वेंटी वन है ड्यू टू अ डिस्प्यूट अमंगज ऑफ सन लिमिटेड रिमूव हमीद फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी प्रॉयर टू दिन ऑफ इस टर्म स्टेट द प्रोसीजर एक तो याद रखें डायरेक्टर्स रिमूव नहीं कर सकते में सकते हैं स्टेट द प्रोसीजर एंड द कंडीशन टू बी कम्पलाइड विद इफ द कंपनी हमद फ्रॉम डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलिंग सिचुएशन ही वॉज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अच्छा अगर इलेक्टेड था और इलेक्टेड बाय वोटिंग था फिर तो लिस्ट वोट जो इनफ टू क्वालिफाई थे वो चाहिए होंगे और अगर इलेक्टेड अनअपोस्ट था तो फिर एवरेज नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होंगे और अगर ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम यानी फर्स्ट डायरेक्टर वाला पॉइंट था तो तब भी एवरेज नंबर ऑफ वोट चाहिए होंगे यही आंसर जो है वो यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है कि इफ इज इलेक्टेड सो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, लेकिन इलेक्टेड अन तो फिर एवरेज नंबर ऑफ वोट और फर्स्ट डायरेक्टर होने की सूरत में भी एवरेज नंबर ऑफ वोट ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है Balbek Limited is an unlisted public company and has 8 directors its paid up capital is 50 million divided into ordinary shares of rupees 500 each the directors have decided to remove aga kirmani from the board due to his dismal performance aga kirmani was elected unopposed on the board in the light of provision of company that briefly describe how aga kirmani can be removed from the board so may be removed by passing a resolution in general meeting और क्योंकि अनपोज पॉइंट हुआ था तो फिर एवरेज वोट चाहिए होंगे उसको बचने के लिए तो इलेक्टेड अनपोज है एवरेज नंबर ऑफ वोट चाहिए उसे अपनी सीट बचाने के लिए तो यहां से हमारे पास जो कंक्लूजन बनेगा वो ये बनेगा कि देयर फोर आगर किरमानी वुड बी रिमूव फ्रॉम द बोर्ड इफ लेस देन वन हंड्रेड थाउजेंड वोट आर कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन तो अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं और रिमूवल के अगेंस्ट एक लाख से कम वोट आए एक लाख कैसे कैलकुलेट किया गया नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए गए 50 मिलियन रुपीस डिवाइड बाय 500 पर शेयर से इससे नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए एट से मल्टीप्लाई किया एट से डिवाइड किया क्योंकि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एट हैं तो वन हंड्रेड वोट जो हैं वो एवरेज वोट आ गए तो एवरेज वोट से कम अगर उसको बचाने के लिए वोट आते हैं तो वो रिमूवड कंसिडर होगा

जावेद डाइड ऑन मे थर्टी एंड असलम वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन जून फिफ्टीन टू फिल इन द कैजुअल वैकेंसी तो रिक्वायरमेंट ये है कि जी अगर असलम को रिमूव uh, करना चाहते हैं तो क्या होगा और बदर को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या होगा अब असलम जो है ही इज़ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर कैजुअल वेकेंसी और एवरेज नंबर ऑफ़ वोट्स चाहिए होंगे उसको रिमूवल से बचने के लिए बदर जो है ही इज़ इलेक्टेड बाई वोटिंग डायरेक्टर एंड हु ही वुड नीड लीस्ट वोट्स इनफ टू क्वालिफाई इन लास्ट इलेक्शन तो यही चीज़ जो है वो आंसर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर देखें एवरेज वोट्स हैं और दूसरे में जो है मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स अब मिनिमम नंबर ऑफ वोट कहाँ से आपने मालूम किए आप देखें कि ये चार डायरेक्टर्स को जो वोट मिले थे तो सबसे कम वोट जो हैं वो टू ट्वेंटी थाउजेंड है तो यही वोट यहाँ पर मेंशन लास्ट पॉइंट हमारी आज इस वीडियो का है वकेशन ऑफ ऑफिस वकेशन ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कि एक डायरेक्टर का जो पावर है वो कब खत्म हो जाती है उसकी डायरेक्टरशिप कब खत्म हो जाती है ऑफिस वकेट करने का मतलब है कि उसका अपनी पोजीशन से खत्म हो जाना आई डायरेक्टर शेल बी ट्रीटेड टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इफ सो हमारे पास पांच सिचुएशन है हीजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर तो अगर लेट्स ए के एक पर्सन जब अपॉइंट हुआ तो तब देर वाज नो प्रॉब्लम लेकिन बाद में वो एक अनडिस्चार्ज इन्सॉलवेंट बन गया तो वो इनिजिबल हो जाएगा इसी तरीके से अगर एक शख्स जिस टाइम डायरेक्टर बना ही डिड होल्ड अ वैलिड एन टी एन लेकिन बाद में उसका जो एन टी एन है वो फॉर सम रीज़न कैंसिल हो जाता है तो वो डायरेक्टर ने के तौर पर इनिजिबल हो जाएगा तो ये कोई भी जो एलिजिबिलिटी हमने क्राइटेरिया पढ़ा था अगर उसमें से वो फॉल नहीं कर रहा और इन एलिजिबल हो जाता है तो उसका ऑफिस पकेट हो जाएगा नंबर टू है ही हिमसेल्फ फ्रॉम थ्री मीटिंग ऑफ द बोर्ड विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एबसेंस अच्छा देखिए डायरेक्टर का तो काम ही ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड करके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व और अगर वो थ्री कंजेक्टिव मीटिंग अटेंड नहीं करता विद लीव बा मेडिकल रीजन होती है कोई और रीजन होती है विद लीव हो जाता है दैट्स फाइन अदरवाइज अगर विदाउट लीव वो थ्री कंजेक्टिव मीटिंग अटेंड नहीं करता तो उसका ऑफिस ऑफ डायरेक्टर खत्म हो जाएगा नंबर थ्री है private company in which he a director. ही हिमसेल्फ और हिज पार्टनरशिप फर्म इन विच इज़ अ पार्टनर और एनी प्राइवेट कंपनी इन विच इज अ डायरेक्टर ये पॉइंट यहाँ से कंटिन्यू करेगा ये बुलेट यहाँ पे गलत है एक्सेप्ट एनी लोन और गारंटी फ्रॉम द कंपनी इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनी तो कंपनी uh, एक्ट जो है वो सर्टन लोन्स जो है वो प्रोहिबिट करता है कि जी डायरेक्टर सर्टन लोन्स नहीं ले सकता कंपनी से या वो उसकी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं ले सकती उसकी ऐसी कंपनी नहीं ले सकती जिसमें वो डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर डायरेक्टर हो दो कंपनीज में भी तो डायरेक्टर हो सकता है तो अगर लोन कोई वो ले लेते हैं तो लोन तो हो जाएगा लेकिन uh, जो उसकी डायरेक्टरशिप है कंपनी से वो ख़त्म हो जाएगी फोर्थ है कि एक्सेप्ट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदर देन दैट ऑफ चीफ एग्जैक्टिव और लीगल और टेक्निकल एडवाइजर विदाउट सेंक्शन ऑफ द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग यानी वो कोई कंपनी से कोई ऐसी पोजीशन ले लेता है जिसमें वो हाई सैलरी ले रहा है इसमें जो एक्सेप्शन हैं वो ये हैं कि जी चीफ एग्जैक्टिव ले सकता है लीगल डायरेक्टर के तौर पे ले सकता है टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे ले सकता है और कंपनी से जनरल मीटिंग में मेंबर के अप्रूवल के साथ तो कुछ भी कर सकता है तो इसके अलावा अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसका ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो है वो वोकेट हो जाएगा खत्म हो जाएगा और एक कंपनी चाहे तो पांचवें पॉइंट के तौर पर एक कंपनी एडिशनल ग्राउंड ऑफ वकेशन ऑफ ऑफिस इंक्लूड कर सकती है बाय बाई मैं इन इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो इस पर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है 2018 स्प्रिंग से कलीम इज अ डायरेक्टर ऑफ बिहार लिमिटेड On 1st October 2017, Kaleem went abroad on a personal trip and returned back on 15 Feb 2018. Which 3, 4, uh, 5, 4.5 months' time. He was unable to attend 5 board meetings which were held during this period. Advice Kaleem. Now, ke he obtained leave of absence or not. Because consecutive meeting, if ऐसेंट हो जाता है तो डिस्कालीफाई हो जाता है लेकिन अगर उसने लीव ऑफ ऑफ एबसेंस ली हुई थी सो क्लीम शेलो फैक्टोटो का मतलब होता है बाय द फैक्ट इट सेल्फ यानी कोई अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं अगर उसने थ्री मीटिंग्स कंजेक्टिव मीटिंग्स जो है उनसे absent हुआ है तो उसका ऑफिस वकेट हो जाएगा लेकिन अगर उसने लीव ऑफ एबसेंस ली हुई थी इन बोर्ड मीटिंग्स से तो फिर वो कंटिन्यू करेगा फिर उसका ऑफिस वकेट नहीं होगा सो दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे